हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी इन टुडेज डेली वीडियो. आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द जनरल कंसर्न अकॉर्डिंग टू द सीबीआई. सीबीआई यू नो हैज ऑलवेज बीन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको स्टेट गवर्नमेंट्स या पॉलिटिकल पार्टीज अपार्ट फ्रॉम द रूलिंग पार्टी इन सेंटर उनका ये मानना है दैट स्टेट सीबीआई का मिसयूज होता है. एंड रिसेंटली यू नो केरला गवर्नमेंट हैज विड्रॉन द परमिशन. जब भी सीबीआई को कोई केस परस्यू करना होता है इन स्टेट सो जनरल कंसेंट अवेलेबल होता है बट स्पेसिफिक केसेस के लिए दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. बट वो परमिशन भी विड्रॉ कर लिया गया है इन द केस ऑफ केरला. सो लेट्स अंडरस्टैंड द नुएंसेस ऑफ दैट. ओके एंड आई एम प्रमोद सिंह डायरेक्टर ISH. लेट्स अंडरस्टैंड द केरला हैज विड्रॉन द केरला गवर्नमेंट हैज विड्रॉन हैज डिसाइडेड टू विड्रॉ The general consent accorded to CBI to operate in state voluntarily. यानी अब normal cases में general consent जो CBI को रहती है, whenever CBI has to investigate a case in the state, general level पर they have the you know permission. But now that permission is not there, they have to take you know permission from the state government. What is general consent? Unlike NIA जो है National Investigation Agency, इनका jurisdiction all over India है. बट सीबीआई केस में ऐसा नहीं है. सीबीआई इज गवर्न्ड बाय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एंड इस एक्ट के तहत द गवर्नमेंट यू नो शुड गिव परमिशन टू द सीबीआई इन ऑर्डर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन. यानी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है तो कभी भी जब स्टेट को में किसी भी स्टेट में सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करना होगा सो दे नीड यू नो कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सो दैट कि भाई वहां पर आप इन्वेस्टिगेट कर पाए. कंसेंट दो तरह के होते हैं, केस स्पेसिफिक एंड जनरल. जनरल कंसेंट यूजली क्या होता है कि जैसे यू नो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनके खिलाफ कोई यू नो देयर इज सम केस ऑफ करप्शन गोइंग ऑन सो जनरली इट इज अवेलेबल एंड द सीबीआई कैन गो एंड कंडक्ट द केसेस. इन केस स्पेसिफिक द सीबीआई यू नो द मेनली स्टेट गवर्नमेंट आस्क द सीबीआई टू टेक यू नो केसेस सो दैट इज देयर. नाउ सीबीआई हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉई. सीबीआई क्या करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं डिपार्टमेंट है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर सकती है बट हियर ऑल्सो ओनली विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. यानी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई केरला में या महाराष्ट्र में है सो दे कैन इंक्वायर डू इंक्वायरी ओनली वेन द स्टेट गवर्नमेंट अलाउज दैम. नॉर्मली द कंसेंट इज गिवन, कंसेंट नॉर्मली मिल जाता है इन द केस ऑफ करप्शन एंड ऑलमोस्ट इन ऑल द स्टेट कंसेंट मिलता है, उसमें कोई नॉर्मल प्रोसेस में देयर इज नो प्रॉब्लम. बट नाउ CBI will require consent in every case. अभी जो होगा CBI को अलग स्पेसिफिकली कंसेंट लेना पड़ेगा एंड देन ओनली दे कैन रजिस्टर द केस. फॉर एग्जाम्पल रेलवे क्लर्क एक मुंबई में है, उनके खिलाफ अगर कोई केस करना है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा तभी जो है CBI वहां पर काम कर सकती है. नाउ व्हाट डज दिस विड्रॉल मीन. ये जो पावर था जहां कंसेंट जनरल कंसेंट की आवश्यकता नहीं थी वो यू नो अब जनरल कंसेंट में आपको परमिशन लेना होगा. So that means CBI will not be able to register any fresh case involving central government. CBI central government में fresh case register नहीं कर सकती है and against a central government official and or a private person without getting case specific consent. उनको case specific consent लेना पड़ेगा तभी ऐसा हो सकता है. और CBI officers will lose all the power of the state police officers as they enter state unless state government has allowed them. यानी CBI के पास power police officers की जो रहेगी वो नहीं रहेगी. And they, that is possible only when they get approval. Okay. Now, under what provision, जो Delhi Police Establishment Act है, उनके कौन से provision है? Section 6 of Delhi Police Establishment Act ये कहता है that they can exercise power and jurisdiction in any area of the state, okay, without the consent of the government of India. But यानी in normal situation, CBI जो है अपने power के exercise कर सकता है. इन ऑल द एरिया एक्सेप्ट स्टेट. यानी स्टेट के एरियाज में उनको अप्रूवल लेना होगा एंड गवर्नमेंट सेक्शन 6 ये कहता है दैट गवर्नमेंट कैन विड्रॉ द जनरल कंसेंट टू एक्सरसाइज द पावर एंड जुरिडिक्शन. यानी सेक्शन 5 अलाउ करता है, सेक्शन 5 एंड 6 अलाउ करते हैं और विड्रॉ करने का भी ऑप्शन इसमें होता है. ओके सो डज दैट मीन द सीबीआई कैन नो लॉन्गर प्रोब इन एनी केस इन टू स्टेट. वेल इन नॉर्मल सिचुएशन सीबीआई कैन इन्वेस्टिगेट इन द ओल्ड केसेस में कर सकते हैं बट अदरवाइज कोई भी केसेस एनीवेयर इन द एल्स इन द कंट्री यू नो विल रिक्वायर द कंसेंट. बट स्पेसिफिकली स्टेट्स लाइक केरला में अलग से आपको कंसेंट लेना हो, केस स्पेसिफिक कंसेंट जो है
लेना होगा. सो दीज आर द चैलेंजेस. लेट्स सी हाउ टाइम विल गो एंड व्हाई सच मूव बाय स्टेट. केरला ने ऐसा क्यों किया. नाउ इट इज बिलीव दैट कि सीबीआई इज यूज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट द स्टेट एंड दैट इज वेयर जनरल कंसेंट विड्रॉल जो है उनको हेल्प करेगा, प्रोटेक्ट करेगा. द सीबीआई कैन कुड स्टिल रजिस्टर केसेस इन दिल्ली एंड यानी अब सीबीआई फिर भी केस दिल्ली में तो रजिस्टर कर सकता है एंड एनी ऑफ दोज पीपल हु कम टू दिल्ली दे कैन बी टेकन बाय सीबीआई. ठीक है. सो द ओनली पीपल हु विल प्रोटेक्ट आर सेंट्रल स्मॉल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज. नॉर्मली जो स्मॉल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उन्हीं को प्रोटेक्शन मिलेगा. ओके. सो बट डू वी हैव एनी लीगल रेमेडीज. क्या सीबीआई के पास कोई ऑप्शन है. यस, सीबीआई लोकल कोर्ट के पास जाके सर्च वारंट ले सकता है. ओके. सिमिलरली सीबीआई कैन डू सरप्राइज एलिमेंट एंड सीआरपीसी के तहत सीबीआई कैन आस्क पुलिस ऑफिसर्स यू नो इन दैट एरिया कि आप हमारे बिहाफ पे सर्च करिए. और अगर लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं देन सीबीआई हिमसेल्फ इटसेल्फ कैन गो एंड सर्च गिविंग नोटिस टू द लैटर. तो ऐसा नहीं कि सीबीआई के पास पावर नहीं है. सीबीआई डज हैव पावर बट इट माइट हैव टू गो टू द लोकल कोर्ट रूट एंड दैट इज अ लीगल रेमेडी अवेलेबल. ओके. सो आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा. ओवरऑल इट मींस दैट सीबीआई का जो पावर स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट में थे इन जनरल दे हैव बीन विथड्रॉन एंड दैट मेक्स सीबीआई यू नो प्रोन टू गेटिंग परमिशन फ्रॉम द लोकल स्टेट गवर्नमेंट्स. ओके. सो सीबीआई की हिस्ट्री है 1941 में स्टार्ट हुआ था and it is under Delhi's special police establishment act which gives an investigating power to the CBI. British second world war ke time you know it was started. Okay. So what is CBI? Is it a constitutional body? No, it is not a constitutional body. It is not a statutory body. It is not created by act of the parliament. Theek hai. It yani ek aisi body hai jo actually Delhi police establishment act mein hai but it does not have any legal you know support from Parliament Act or from any law in the country. CBI investigates cases related to economic crimes, special crimes, cases of corruption and high profile cases. Normally, crimes and corruption cases go CBI investigate karti hai. And it comes under jurisdiction of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension. Normally, ye jo hai ministry Prime Minister ke under mein rehti hai. But one more thing, CBI is exempted from Right to Information Act, like NIA and National Intelligence Grade. But CBI का जो भी information चाहिए वो RTI Act के तहत आप नहीं ले सकते हो. So that is in total to relate to the CBI. So you can get MCQ here in CBI. CBI case में आप MCQ मिल सकता है. It is an important point. Okay. So I hope आपको ये video से समझ में आई होंगी चीजें. Thank you very much. God bless you. Take care.